सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से लाइव हैं जी राज डेयरी फार्म से। तो शाम के लगभग 4 बजे हैं, तो जो फीडिंग टाइम है शाम के समय वो दिखा रहे हैं आप भाइयों को। भाई फ़िलहाल हम क्या क्या डाल रहे हैं भैंसों को, तो अंदर भैंस बंधी हुई है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखें जी, तो ये सभी भैंस जो जा रही है अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र में जाएगी, और कुछ जो जाएगी लातूर महाराष्ट्र में ही। ये देखिए जी, इन भैंसों इस भैंस में लगभग 17 किलो दूध तैयार है अभी, और इस झोटी में लगभग 13-14 किलो दूध तैयार है। और ये बच्चा है जी, ताज़ी ब्याई है बिल्कुल। और इसके अलावा 2 भैंस अभी आने वाली है, और एक ये फर्स्ट बार की है, ये सेकंड बार की है जी। ये देखिए जी, इसमें भी लगभग 15 किलो दूध अभी तैयार है मौके पे। और एक ये फर्स्ट बार की 2 दांत पाड़ी है, इसमें 13 लीटर के लगभग दूध तैयार है। तो इन भैंसों को जो हम दाने में दे रहे हैं फिलहाल जो, वो दिखाएंगे आप भाइयों को। तो ये देखें जी, तो ये हमने भी गौ रखा है जी, इसके अंदर जैसे बिनोड़े की खड़ है और चने का खंडा, चने की चूरी, ये मिक्स है जी तीनों। लगभग एक भैंस को 3 किलो के हिसाब से दे रहे हैं, जिसमें 1.5 किलो अपनी बिनोड़े की खड़ है, 1 किलो खंडा है और 1/2 kg चने की चूरी है। अगर बाद में जो ये बच जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसमें चोकर मिला दिया जाएगा, गेहूं का जो चोकर होता है वो, और बाद में जो है वो अभी ज्वार हुई है हरा चारा वो डाल दिया जाएगा। तो ये शाम के समय वीडियो हम कवर कर रहे हैं, लगभग 4:30 बजे देखें जी। तो बहुत भाई क्या होते हैं, बिल्कुल गीला कर देते हैं, तो गीला ना करें जी इसको, बिल्कुल सूखा रखें। ये देखें जी, अभी बिल्कुल चाव से खाएगी सभी भैंस बिल्कुल। और जो अपनी कई भाई होते भी वो फीड नहीं आती जो गाय वाली, वो भी भैंसों को डाल देते हैं। तो ये अपनी मुर्रा भैंस है जी, हिसार हरियाणा से। तो सरसों की खल, जो सरसों की खली होती है वो हम बिल्कुल भी नहीं डालते जी। और ये देखें जी, हम डालते हैं जो भैंस गाभिन हो जाती है, 4-5 महीने की प्रेग्नेंट, तब उनको डाला जाता है जी। तो ये देखें जी, तो राज डेयरी फार्म से लगातार वीडियो हम कवर कर रहे हैं। तो योगेश डेयरी फार्म के नाम से अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो बहुत भाई अपना बढ़िया सहयोग दे रहे हैं साथ में। ये देखिए जी, सामने एक बुल भी है, बहुत बढ़िया 20-21 किलो दूध की भैंस का कट्टा। ये देखिए जी, और अभी तैयारी चल रही है पूना, एक लोट जाएगा महाराष्ट्र में, एक जाएगा कोल्हापुर में, उसकी भी तैयारी भी चल रही है। तो ये भैंस जो अंदर दिखाई, 9 भैंस जाएगी, जिसमें 2 बाखड़ी भैंस है वो शाम तक आने वाली है। ये देखिए जी, शाम का जो रूटीन है लगभग 4-4:30 बजे का, वो आप भाइयों को दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया बढ़िया जो भैंस है अपने फार्म पे, अच्छी अच्छी। तो कभी भी आएँ जी, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करें भैंसों की, जोन से भी आपको समझ में आए वो आप लेके जा सकते हैं। और मैं पूरा फार्म एक बार कवर करके दिखा देता हूँ। कुछ अपने पास में जो साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं वो भी है, देखिए जी। तो फीडिंग में ये गेहूं का भूसा है जी, तो स्टोरेज इस तरफ है इस बारीक के अंदर। और इधर ये देखें जी, अभी के बार ज्वार बहुत ज़्यादा है। और इधर ये अपने पास ये गायें हैं साहिवाल नस्ल की, बहुत प्योरिटी है बिल्कुल गायों में, ये दोनों प्रेग्नेंट गायें हैं जी, 5-5 से 6 महीने की। ये जो ज्वार देखें जी, ये बाद में डाल देंगे जब खाना खा लेगी ना, इसके बाद में। देखिए जी, ये बाहर का जो सिस्टम है अपना, बहुत ज़्यादा बढ़िया बारिश हुई अब की बार, तो ज्वार ज्वारी बहुत बढ़िया है खिलाने के लिए भैंसों को, हरा चारा बहुत ज़रूरी है जी। ये देखिए जी, तो राज डेयरी फार्म के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लगातार नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं। और ये अपनी जो जन्म से अंधी हरियाणा नस्ल की बच्चिया है जी,
छोटी सी लेके आए थे, अभी एक बार काविंग कर गई है, बछड़े को जन्म दिया इसने, लगभग 8-9 लीटर दूध दिया इसने फर्स्ट बार में। तो देखो जी, जन्म से अंधी है बेचारी, अच्छी है। और इसका उस तरफ जो मेल काफ है, तो अभी सभी भैंसों को बाहर बांध दिया जाएगा जी, देखें तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएं जी। ये देखें जी सभी भैंस बाहर बांध दी गई है और बिल्कुल आराम से खा रही है, ये देखें जी। तो राज डेयरी फार्म गांव मिंगनीखेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से वीडियो हमने कवर की, तो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। और अच्छी अच्छी भैंसों के लिए आप आएँ जी, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करें। लगभग 13-14 लीटर से लेकर 18-20 लीटर तक की जो भैंस है आप अपने फार्म से खरीद सकते हैं। ये देखें जी, छोटी सी जानकारी कैसी लगी। तो ये क्या है जो हम ट्रांसपोर्टिंग में जो दाना दे रहे हैं भैंसों को, जाने से पहले जो हम तैयारी करते हैं वही आप भाइयों को बताया है जी, क्योंकि अगर ज़्यादा खिला दिया तो रास्ते में नहीं खाएगी भैंस। देखिए जी, बहुत अच्छी अच्छी भैंस सभी की सभी। कमेंट में बताएं कैसी है भैंस, कैसी है वीडियो। सभी भाइयों को राम राम जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल।